हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज 29 मार्च है और सीबीएसई की तीन बहुत बड़ी अपडेट है हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो बहुत से ध्यान से सुनना और 100% कंफर्म है जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। और क्लास 10th 12th प्लस जो 9th और 11th को लेके प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम सीबीएसई ने अपने हेडक्वार्टर क्लोज करने से पहले सॉल्व कर दी है। जी हाँ, सबसे पहले तो हमारा क्लास 10th और 12th के लिए है हमारा कि इनका रीशेड्यूलिंग हो रहा है। जी हाँ, इनके डेट शीट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि जबकि 3 वीक्स के लिए हमारा सीबीएसई ने अपना हेडक्वार्टर बंद कर दिया है, इनको इंफॉर्मेशन 12 से 14 अप्रैल के बीच में आपको नए टाइम टेबल की डेट शीट मिल जाएगी। 100% और 10% कंफर्म है ये। और दूसरी बात, ये प्रमोशन को लेके बहुत ज्यादा वो थी कि क्या क्लास 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट करेगी सीबीएसई। तो एक बात बता दूं, ये कंफर्म हो गया है कि सीबीएसई ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है 9th और 11th का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वो केवल बोर्ड्स यानी क्लास 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली अब सीबीएसई वाले अपने बच्चों को प्रमोट, अपनी स्कूल वाइज प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। मैं खुद की बात करूं, मेरे खुद के स्कूल में 8th तक वालों को तो ऑलरेडी प्रमोट कर दिया है उन्होंने। चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है क्लास 9th की, तो प्रमोशन ही हुआ है, केवल रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन सीबीएसई का ओपन होगा तो 9th के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा। 1 to 8 तो प्रमोट हो चुकी है। अब बात 9th और 11th की आती है, तो अगर 12 और 14 अप्रैल को रीशेड्यूलिंग का डेट आ जाता है सीबीएसई का, तब तो आप 100% मान के चलो आप प्रमोटेड हो। और अगर नहीं आता है इन द केस, तो थोड़ी बहुत चांसेस हैं कि आपको एग्जाम देना पड़े स्कूल की तरफ से, ठीक है। अब हमारा लास्ट न्यूज क्या है कि रिजल्ट को लेके, रिजल्ट कब आ रहा है, तो देखो रिजल्ट की बात इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दी है कि जिस दिन ये अपना डेट शीट रिलीज कर रहे हैं, जिस दिन इनका लास्ट एग्जाम खत्म हो रहा है क्लास 10th और 12th का, उसके 25 से 30 दिनों के बीच, केवल 25 से 30 दिनों के बीच में ये अपना रिजल्ट इशू करेंगे। मतलब कि अगर आप मान के चलो मई लास्ट तक आपके सारे एग्जाम हो जाते हैं, तो जून में ये 100% और 10% अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो ये तीन सीबीएसई के बिग अपडेट्स थे। आपके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, तो कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए और अपनी अगली क्लास के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।